वेलकम टू चैनल मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी कि आप स्वी से ट्रीडल से फंदों को बंद करना सिखा दें बाइंड ऑफ विथ टेपेस्ट्री नीडल ये बाइंड ऑफ तब इस्तेमाल होता है जब आपको लूज स्ट्रेची बाइंड ऑफ चाहिए होता है दिस बाइंड ऑफ वी यूज वेन वी वॉन्ट स्ट्रेची बाइंड ऑफ दिस इज स्पेशली यूज फॉर कॉलर नेक एंड सॉक्स दिस विल गिव यू अ रेडीमेड गारमेंट लुक आपको ये जो है रेडीमेड गारमेंट जैसा कपड़ों जैसा लुक देगा जो स्वेटर बने हुए होते हैं और ये जो है वो गले सॉक्स ऐसी चीजों के लिए इस्तेमाल होता है फंदों को बंद करने के लिए अब जब भी आपके पास आपने देखें चीज बुन ली है तो आप क्या करेंगे धागे को इस तरह करके देख लें क्योंकि हमें धागा काटना होता है जैसे हम स्वी नेटिंग मेडियल से बाइंड ऑफ करते हैं ना धागा काटने की जरूरत नहीं होती इसके लिए धागा काटने की जरूरत होती है क्योंकि आपने सुई में डाल के बंद करना है तो आप इस तरह से चेक कर लेंगे एक दफा दो दफा तीन दफा और मैं एहतियातन चार दफा भी करती हूं ताकि धागा कम ना पड़े सही है एहतियातन लेकिन मेरे पास ये एक्स्ट्रा बच गया था इसीलिए मैंने अभी सारा इसमें डाल लिए है दिस इज एक्स्ट्रा आई हैव बिकॉज मेरे पास बॉल नहीं था मैंने ये पीस था तो मैंने इससे बुन लिया है थोड़ा थोड़ी सी ऊन बची हुई थी तो मैंने इससे बुन लिया है अगर आपने भी प्रैक्टिस करनी है तो आप इस तरह से कर सकते हैं थोड़ा सा बची उनके साथ प्रैक्टिस कर लें अभी देखें बहुत ही आसान सा मेथड शुरू होने वाला है गौर कीजिएगा ना फोकस वेरी इजी बहुत ही आसान एक मेथड है और भी मैं सिखाऊंगी नीचे कमेंट कीजिएगा इफ यू वांट टू लर्न मोर मेथड फॉर बाइंड ऑफ विद टेपेस्ट्री निडल कमेंट डाउन ये देखें इस तरह से आपने तीन फंदों में एक दो तीन तीन फंदों में आपने सुई डालनी है इस तरह से टपेस्ट्री निडल ये यूं करके ना टाइट रखना है ना लूज रखना है बैलेंस रखना है आपने ग्रिप को नॉट टू टाइट नॉट टू लूज और उसके बाद इसको आप ड्रॉप कर देंगे सही थोड़ा सा थोड़ा सा खींचना है ज्यादा टाइट नहीं खींचना फिर से रिपीट दिस स्टेप पुट द निडल थ्रू थ्री स्टिचेस तीन फंदों के बीच में आपने सुई डालनी है इस तरह से और इसको खींच लेना है ये ऐसे करके यू करके धागे को खींच लिया अब इसको फिर से ड्रॉप कर देंगे मतलब तीन फंदों के बीच में से हम निडल निकाल रहे हैं और फिर एक को ड्रॉप कर रहे हैं यही स्टेप फिर से अगेन कीप डूइंग दिस तीन फंदों के बीच में से सुई निकालेंगे इस तरह से इस तरह से नॉट टू टाइट नॉट टू लूज ज्यादा टाइट भी नहीं ज्यादा लूज भी नहीं और फिर ये इसको इसको इस तरह से नीचे गिरा देंगे फिर से अगेन ये इस तरह से तीन फंदों के बीच में से इस तरह से यूं सुई आपने निकालनी है और फिर इसको नीचे गिरा देना है यही आप स्टेप रिपीट करते जाए बिगनर के लिए मैं और दिखाऊंगी कोशिश करके आखिर तक ताकि बिगनर को प्रॉब्लम ना हो ये देखें हाँ तीसरा पहला फंदा ड्रॉप किया ना तीन फंदों में डाला और फिर जो पहला होगा उसको ड्रॉप करते जाएंगे ये देखें फिर से तीन फंदों के बीच में निडल डालेंगे और धागे को आखिर तक खींचेंगे इस तरह से आप ये वाला फंदा जो फर्स्ट स्टिच है ना ड्रॉप इट डाउन ये देख रहे हैं आप इसी तरह से फिर से इसको करते जाएंगे तीन फंदों के बीच में निडल डालेंगे इस तरह से और इसको ड्रॉप कर देंगे फिर से अगेन थ्री वन टू थ्री तीन फंदे तीन तीन फंदे तीन तीन फंदे करते जाएंगे और एक को ड्रॉप करते जाएंगे ये इस तरह से नॉट टू टाइट नॉट टू लूज ये स्ट्रेच ही ऑफ होता है इसीलिए जब आप गले पे करते हैं ना नेक बॉर्डर पे गले के कॉलर पे तो बच्चा हो या कोई भी पहनने में भी आसानी होती है समटाइम्स आप वो वाला बाइंड ऑफ करते हैं ना हम जब तो वो थोड़ा सा टाइट हो जाता है वैसे मैंने आपको सिखाया हुआ है कि आप रिबिंग पे किस तरह से लूज बाइंड ऑफ करें लेकिन ये उससे भी लूज है मतलब स्ट्रेची है अब देखें तीन फंदों को आखिर में हमने उसी तरह ही सिलाई डाली और एक गिरा दिया पीछे बचे हैं दो बस अब दो को क्या करेंगे ऐसे ही रहने देंगे ये इस तरह से करके ठीक है इस तरह से अब आप इसका शेप देखें ये देखें कितना स्ट्रेची है अब ये इस तरफ का लुक है और ये इस तरफ का तो आप ये रखें या ये रखें आपकी मर्जी है जो आपको अच्छा लगे See? और ये स्ट्रेची कितना स्ट्रेची है यू कैन कीप दिस साइड और दिस साइड एज योर राइट साइड जो आपकी मर्जी हो जो भी आपको अच्छा लगे होप्सो so, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा अगर आपने और भी मेथड सीखने हो तो मैं कोशिश करके वो भी सिखा दूंगी और वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें कोई भी चीज अगर आपने सीखनी हो तो मेरे इंस्टाग्राम पेज क्लीन निट्स पे मुझे मैसेज करें पिक्चर के साथ के मुझे ये सीखना है मैं कोशिश करके वो जरूर सिखाऊंगी आपको थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो अल्लाह हाफिज़